रब सुन चला जमात रसा की है। तो आज नाफरमानी उरूज पर है, सब तबीयत पर चल रहा है, जो चाहते हैं करते हैं, इसमें मसलहत उसमें मसलहत, ये मसलहत वो मसलहत, बड़ी मसलहत पसंदी हो गई। आज ये बोली बोली जा रही है कि साहब फला काम के लिए इत्तेहाद जाएंगे, फला जो है ये जरूरत है, कौम की जरूरत है, मिल्ली जरूरत है, माशाल्लाह। घर के झगड़े बदस्तूर जारी है, दामाद और ससुर झगड़ा कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के झगड़े हो रहे हैं, वहां कोई इत्तेहाद नहीं हो रहा है। जहां इख्तलाफ की जरूरत है, जहां अल्लाह और रसूल फरमाते हैं कि यहां इख्तलाफ किया जाए, वहां इत्तेहाद हो रहा है। और जहां रसूल फरमा रहे हैं इत्तेहाद करो, माफ कर दो अपने दुश्मन को, अपने भाई को माफ कर दो, तो वहां जंग हो रही है। कहां इत्तेहाद, कैसा इत्तेहाद, क्या उस इत्तेहाद में अल्लाह की रजा है? मार पड़ेगी और पड़ रही है। सिर्फ नाफरमानियों का नतीजा, कुछ इसका इलाज नहीं है, इलाज वही है। وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, तुम ही बुलंद और बाला रहोगे अगर तुम मुसलमान। ये सब फरेब की बातें छोड़िए, ऐसे फरेबियों से दूर रहिए। जो मुफ्ती आजम कह गए, जो हुज्जतुल इस्लाम फरमा गए, जो सदरुल शरिया कह गए, जो सदरुल अफाज़िल कह गए, हैं जो मलिकुल उलमा कह गए, क्या आज का मौलवी उससे ज्यादा जानता है? नहीं जानता। तो बस वो जो फरमा गए वो अच्छे बंदे अल्लाह के, वो महबूब बनते, वो सालिह अल्लाह, वो पक्के सच्चे उलमा, उनके नुकुशे कदम को, उनके फरामीन को अपनाइए। आज की बोली मत सुनिए, क्या इत्तेहाद। सुनने में आया मुझे कि बोला गया और एक मंच शेयर किया गया, माशाल्लाह। जाहिर है शाम को आप किसी देवबंदी वहाबी के साथ बैठे और सुबह को गली में मिलेगा तो क्या आप उसे जंग करेंगे? दोस्ताना बन गया, ये राहें हैं, ये प्लेटफॉर्म किया जा रहा है। तो क्या जो नहीं इत्तेहाद किया वो मर गए? वो भी तो जी रहे, शान से जी रहे हैं। अल्लाह ने उन्हीं को इज्जत दी है। जब तुम कानून का एहतराम करोगे, जमाना तुम्हारा एहतराम करेगा। जब तुम कानून को पामाल करोगे तो अल्लाह की मार होगी और जलीलो रुस्वा होगी। जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले, अरे हश्र तक सोना है तुझको अफलाक के साए तले। हम सफीरो बाग में है कोई का चहचहा, बुलबुले वो जाएंगी सुना चमन रह जाएगी। तो यही पैगाम के बुजुर्गों के नक्शे कदम को अपनी नमाज़ें